हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ LNMU के पार्ट 3 के छात्रों के लिए जिनका प्रैक्टिकल का एग्जाम का डेट निकल चुका है। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल का एग्जाम सबके लिए नहीं है, तो ऐसे परीक्षार्थी के लिए है जो परीक्षार्थी निर्धारित तिथि समय पर स्नातक तृतीय प्रतिष्ठा सामान्य व्यावसायिक की प्रायोगिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित नहीं हो सके थे, उन छात्रों के लिए है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाते हैं, ये आप लोगों को पूरा डिटेल में बताते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। स्नातक तृतीय खंड प्रतिष्ठा सामान्य व्यावसायिक परीक्षा 2020 में विशेष प्रायोगिक परीक्षा, ये विशेष प्रायोगिक परीक्षा निकल चुका है। दोस्तों, सभी छात्र छात्राओं को एवं संबंधित व्यक्तियों को इस द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे परीक्षार्थी जो निर्धारित तिथि समय पर स्नातक तृतीय खंड प्रतिष्ठा सामान्य व्यावसायिक की परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित नहीं हो सके, उन परीक्षार्थियों की विशेष प्रायोगिक मौखिक परीक्षा नियंत्रण 6/10/2020 से 9/10/2020 तक जिलावार नामांकित परीक्षा केंद्रों पर संचालित होगी। दोस्तों, ये छात्रों के लिए ये एक प्रायोगिक परीक्षा है, जो इससे पहले एग्जाम हुआ था प्रायोगिक परीक्षा मौखिक परीक्षा, उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे किसी कारणवश। वैसे छात्रों के लिए स्पेशल डेट निकाला गया है कि सभी छात्रों के लिए नहीं है, पार्ट 3 के सभी छात्रों के लिए नहीं है, उन छात्रों के लिए है जो इससे पहले हुआ था उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे, लॉकडाउन से पहले जो हुआ था एग्जाम उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ सभी केंद्र का नाम, विषय और महाविद्यालय का नाम। देख सकते हैं केंद्र का नाम है ये MLSM कॉलेज दरभंगा है। इसमें विषय का है सभी विज्ञान, विषय समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल एवं प्राचीन इतिहास। इसका एग्जाम है मौखिक परीक्षा या प्रैक्टिकल जो भी लिया जाएगा, तो दरभंगा जिला के अंतर्गत संबंधित महाविद्यालय। तो ये जो यहाँ सेंटर दिया है केंद्र का नाम, इसमें जितना भी दरभंगा का जितना महाविद्यालय है उनका एग्जाम MLSM कॉलेज में दरभंगा में लिया जाएगा। गृह विज्ञान, संगीत एवं नाट्य शास्त्र, इसका दरभंगा जिला के अंतर्गत सभी संबंधित महाविद्यालय का जितना भी है उसका इसी में लिया जाएगा, MRM कॉलेज में। उसका तीसरा नंबर पे है RNAR कॉलेज समस्तीपुर, इसमें सभी विज्ञान विषय, मनोविज्ञान, भूगोल एवं प्राचीन इतिहास। समस्तीपुर के अंतर्गत जितना भी कॉलेज आते हैं सभी का एग्जाम RNAR कॉलेज में लिया जाएगा, इन सब्जेक्टों का, सभी विज्ञान विषय, मनोविज्ञान, भूगोल एवं प्राचीन इतिहास। विमेंस कॉलेज समस्तीपुर, विमेंस कॉलेज समस्तीपुर में समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, संगीत एवं नाट्य शास्त्र का समस्तीपुर के जिला के अंतर्गत अभी आने वाले जितना भी महाविद्यालय है उनका इन सब्जेक्ट का, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, संगीत एवं नाट्य शास्त्र का एग्जाम विमेंस कॉलेज में लिया जाएगा। उसके बाद पाँच में GDP कॉलेज बेगूसराय, सभी विज्ञान विषय, समाजशास्त्र, भूगोल एवं प्राचीन इतिहास का बेगूसराय जिला के अंतर्गत सभी जितना भी कॉलेज आते हैं महाविद्यालय सभी का एग्जाम GDP कॉलेज बेगूसराय में लिया जाएगा। उनका जो भी सब्जेक्ट, सभी विज्ञान विषय, समाजशास्त्र, भूगोल एवं प्राचीन इतिहास इनका है, उनका GDP कॉलेज में लिया जाएगा बेगूसराय में। उसका छः नंबर पे है SKM कॉलेज बेगूसराय, SKM कॉलेज बेगूसराय, इसमें मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत एवं नाट्य शास्त्र का बेगूसराय जिला के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालय का इसमें लिया जाएगा। उसके बाद RK कॉलेज मधुबनी है, इसमें सभी विज्ञान विषय, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत एवं नाट्यशास्त्र, इसका मधुबनी जिला अंतर्गत सभी विभिन्न एवं संबंधित महाविद्यालय जितना भी महाविद्यालय है उसका RK कॉलेज मधुबनी में लिया जाएगा। ये सभी विषय आचार्य केंद्र अधीक्षकों को निर्देशन द्वारा सूचित किया है कि परीक्षा संपन्न कराने हेतु अपने स्तर से संबंधित विषयों के स्थानीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को वह परीक्षक नियुक्त कर स्नातक तृतीय खंड 2020 में विशेष प्रायोगिक मौखिक परीक्षा संपन्न कराने की कृपा करेंगे। वैसे छात्र परीक्षार्थी जो पूर्व निर्धारित समय पर प्रायोगिक मौखिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके, वैसे परीक्षार्थियों से ₹200 प्रतिपत्र बैंक ड्राफ्ट कुल सचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के नाम से भुगते संबंधित केंद्रों के केंद्रीय शिक्षक प्रधानाचार्य के कार्यालय में जमा कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में पोर्टल ऑर्डर स्वीकार नहीं होगा। दोस्तों, ये जो
वैसे छात्र जो एग्ज़ाम देंगे प्रायोगिक मौखिक परीक्षा, उनका 200 रुपये प्रति पत्र के हिसाब से या तो आप बैंक से जमा कर सकते हैं या फिर अपने सेंटर के कर्मचारी के निकट जमा कर सकते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं लिया जाएगा, ये प्रधानाचार्य या आप खुद से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा कर सकते हैं कुलपति के नाम से।